एक बार एक आदमी एक संत के पास जाता है और अपनी प्रॉब्लम बताता है कि संत जी, मेरी जिंदगी में कोई खुशी ही नहीं आती। सोचा था जब मेरी नौकरी लगेगी तब पिताजी को एक कार गिफ्ट करूंगा, पर यह भी ना हो पाया क्योंकि मेरी नौकरी मिलने से पहले ही उनका देहांत हो गया। सोचा था कि जब प्रमोशन मिलेगा ना तो अपने बच्चों को कहीं घुमाने लेके जाऊंगा, लेकिन प्रमोशन ही नहीं हुआ। ऐसी और भी बहुत सी ऐसी खुशियां थी जिनके लिए मैं इंतजार करता रह गया, लेकिन मुझे वो कभी मिली नहीं। मुझे समझ सी नहीं आती कि क्या मुझे कभी खुशियां मिलेंगी भी या नहीं। संत उठे और उस आदमी को पास वाले गार्डन में लेके गए जहां एक लाइन में बहुत से गुलाब के फूल लगे हुए थे। उन्होंने उस आदमी को कहा कि एक काम करो, लाइन से ये फूल देखते जाओ और जो सबसे सुंदर फूल लगे उसको तोड़ लेना। लेकिन हाँ, एक बात याद रखना कि एक बार जिस फूल से आगे निकल गए उस पे वापस नहीं आ सकते, यानी कि तुम पीछे वापस नहीं आ सकते। और हाँ, फूल लेके आना भी जरूरी है। वो आदमी चलता गया तो उसको कुछ बड़े फूल दिखते तो कुछ छोटे। हर फूल पे पहुंच कर वो इसी सोच के साथ उसको छोड़ देता कि कहीं इससे सुंदर फूल आगे हुए तो। जब वो उस लाइन के तकरीबन एंड तक पहुंचा तब उसने देखा कि अब सिर्फ मुरझाए हुए से कुछ फूल बचे हैं, और उनमें से उसको जो सबसे खिला हुआ फूल दिखा उसको तोड़कर वो अपने साथ संजी के पास ले गया और बोला कि संजी, मुझे रास्ते में कई बड़े और छोटे सुंदर फूल दिखे थे, लेकिन मैं इसी आस में आगे चलता गया कि कोई और सुंदर फूल मिलेगा। आगे चलता गया लेकिन एंड में सिर्फ मुरझाया हुआ सा फूल ही बचा था। तब वो संत मुस्कुराए और बोला कि बेटा, तुम सबसे सुंदर फूल की तलाश में आगे बढ़ते गए और जितने सुंदर फूल थे उनकी जगह ये मुरझाया हुआ फूल लेके आए। ये गार्डन समझ लो कि तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हारी लाइफ है, और ये फूल उस जिंदगी के सफर में आने वाली छोटी बड़ी खुशियां हैं। जैसे तुम ये सोचकर चलते गए कि आगे और सुंदर फूल मिलेगा, बाकी फूलों की खूबसूरती को नजरअंदाज करते रहे, ठीक उसी तरह जिंदगी में आने वाली छोटी छोटी खुशियों को हम नजरअंदाज कर जाते हैं एक बड़ी खुशी की तलाश में, और जब तक ये समझ आता है जिंदगी निकल चुकी होती है। सो दोस्तों, इस छोटी सी स्टोरी के साथ खुद को और आपको ये याद करवाना चाहता था कि सिर्फ मंजिल को नहीं सफर को भी एंजॉय करना है, जिंदगी की छोटी बड़ी खुशियों को सेलिब्रेट करते चलना है, हर पल को जीना है कि जिंदगी गुलजार रहे और खुशियां फूलों की तरह महकती रहे। उलझनों को सुलझाते चलो, खुशियों को फैलाते चलो, जिंदगी एक सफर है, मुस्कुराकर कदम बढ़ाते चलो।